मोदी जी भारत लेके आगे वाला हम तुम्हारा साथ है। हमारे सकले प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी चार अपेक्षा अधीर आग्रहरत अवस्था अपेक्षा कर सकल प्रिय प्रधानमंत्री जो उनाके सकले मिले स्वागत करছেন कैंडिडेट एवं समस्त राज्य नेतारा अपनारा सकले मोदी जी के स्वागत कर सकले स्वागत कर भारत माता की वंदे 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 भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यहाँ पर उपस्थित विशाल जन समुदाय में इस क्षेत्र के आतंक से परेशान नागरिक बंधुओं नौजवान दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता और इसलिए यदि आप अनुमति दें तो मैं सीधे प्रधानमंत्री जी को बोला। प्रधानमंत्री जी, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की भूमि है इसलिए आपको बोल प्रदान किया है। ये मैं सीधे प्रधानमंत्री को बुलाता हूं, आप बुलाइए, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की मोदी 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 मो। ताली बजती रहना चाहिए, ऊपर ताली बजती रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता जी, नमस्कार। आपनारा केमन आछेन? वीरों की भूमि वीर भूमि में देश के लिए आत्म बलिदान करने वाले सभी वीरों का मैं वंदन करता हूं। वीर भूमि के वर्धमान के इस पूरे क्षेत्र के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पिछली बार विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आया था और आज नए भारत के निर्माण के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों और बहनों, पहले तीन चरणों के मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि दीदी का पश्चिम बंगाल में सूरज अस्त होना शुरू हो गया है। बंगाल का कोना कोना बोल रहा है, सिंडिकेट का सा सिंहासन डोल रहा है। ये इतनी दूसरी सभा वहां चलती है उनको सुनाई देता होगा क्या? जितने लोग इतने यहां उतरे उधर है, सुनाई देता होगा क्या? भाई, ये बंगाल का प्यार, बंगाल के आशीर्वाद मेरे जीवन की एक नई ताकत बन गए हैं जी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं और मुझे मालूम है आपकी गाड़ियां इतनी दूर खड़ी करवाई होगी, आपको दो दो पांच पांच किलोमीटर पैदल आना पड़ा होगा।
लेकिन दीदी को समझ आ गया है, वो जितने मुसीबतें पैदा करेगी उतनी ताकत से कमल ज्यादा खिलने वाला है। साथियों, जब सिंहासन हिल रहा है तो दीदी और उनके गुंडे बौखला भी रहे हैं। कल भी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो इसी बौखलाहट का परिणाम है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मैं यहां के लोकतंत्र प्रेमी सभी मतदाताओं को, नागरिकों को कहूंगा कि आप पूरी मजबूती से डटे रहिए, बंगाल की जनता आपके साथ खड़ी है। आप उस भाजपा के सिपाही हैं जिसके बीच बंगाल के ही वीर संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोए थे, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत के एकीकरण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज बंगाल को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए यहां के नागरिकों को गुंडों के सामने डटकर खड़ा होना है। भाई और बहनों, दीदी के पास अगर, भाइयों बहनों, आप शांति रखिए, आप शांति रखिए। दीदी के पास अगर गुंडा तंत्र की ताकत है तो हमारे साथ लोकतंत्र की शक्ति है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश ही नहीं दुनिया में आपके इस चौकीदार का प्रचार, आपके इस सेवक का प्रचार लोग खुद घरों से बाहर निकल करके कर रहे हैं। यहां पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। साथियों, इस अपार समर्थन के लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको नमन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल को टीएमसी की गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। एक महीने के बाद 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब पश्चिम बंगाल से टीएमसी की अत्याचारी सत्ता की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, लेफ्ट और कांग्रेस का इतने दशकों का शासन भुगतने के बाद आपने दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने क्या दिया? घुसपैठ और दादागिरी को टॉप गियर में डाला।
और पश्चिम बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर लगा दिया। आज आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कोई भी ऐसा काम है क्या जो बिना तोलाबाजी के दादा लोगों को उनका हिस्सा दिए बिना संभव होता है क्या? कोई ऐसा काम है क्या? भाई और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी ने पश्चिम बंगाल के वर्तमान ही नहीं, यहां के लोगों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। साथियों, जो आपको सत्ता, आपको ये सत्ता ऐसी मिली है, जो आपको सस्ते में जो राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, गर्भवती महिलाओं को मदद मिलती है, ये दिल्ली से आपके लिए भेजी जाती है, यहां की सरकार को बस डाकिये की तरह आप तक ये मदद पहुंचानी होती है, लेकिन इसमें भी तोलाबाजी की जाती है। गरीब का राशन तक टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। भाई और बहनों, गुरुदेव ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां डर ना हो और हर कोई माथा ऊंचा करके चल सके। गुरुदेव के उस सपने का क्या हुआ जहां गुंडे और घुसपैठिए दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाते हो, जहां घुसपैठियों को आदर सत्कार देकर आराम से बसाया जाता हो, उन्हें बम बनाने की खुली छूट दी जाती हो, जहां निर्दोष लोगों की आए दिन हत्या की जाती हो, जहां राजनीतिक विचारों पर गोली और तलवार भारी पड़ जाती हो, जहां रेत, कोयला, गिट्टी माफिया ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा हो, जहां सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे त्योहार भी डर डर कर मनाए जाते हो, जहां घर बनाना हो, घर बेचना हो, दफ्तर खरीदना हो, किराए पर चढ़ाना हो, हर काम के लिए जहां सिंडिकेट के सामने हाथ जोड़ना पड़ता हो, ऐसी बंगाल की कल्पना गुरुदेव ने नहीं की थी। आज तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने गुरुदेव के शांति निकेतन को अशांत कर दिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल का हर बेटा बेटी, खास तौर पर जो 21वीं सदी में लोकसभा के चुनाव में अपना पहला वोट डालने वाला है, वो दादागिरी भी नहीं चाहता, दीदीगिरी भी नहीं चाहता, वो दुनिया में भारत की जय जयकार चाहता है। भारतीय संस्कृति की, बंगाल की संस्कृति की जय जयकार चाहता है। भाई और बहनों, आपका ये चौकीदार इसी दिशा में काम कर रहा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दीदी ने कहा है कि चाय वाले ने 5 वर्ष में सिर्फ विदेश यात्राएं की है। अरे दीदी,
आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं विदेशी यात्राओं में भारत के 130 करोड़ लोगों की बुलंद आवाज दूसरे देशों तक पहुंची है। आप याद करिए साथियों, 5 वर्ष पहले तक किसी भी मुद्दे पर दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए हमारा दम फूल जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जो देश पहले हमें महंगे दामों पर तेल और गैस बेचते थे, 20-20 साल के समझौते होकर के पड़े थे, आने वाले 20 साल उतना ही महंगा तेल और गैस आने वाला था, लेकिन मोदी आने के बाद उनसे बातचीत की, उन करारों पर पुनर्चर्चा की और पुरानी सरकार जो दाम तय करके बैठी थी, जो देने के लिए कानूनन हम बंधे हुए थे, लेकिन हमने दोस्ताना तरीके से बात की, चर्चा की, समझाया और हमने दाम कम करवाए। भाइयों, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी और राजदार पकड़ करके भारत लाए गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि अनेक देश भारत के साथ समझौता किया है, उनकी बैंकों में अगर कोई भारतीय पैसे रखेगा तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो देश हमको, भारत को देगा। अब भारत से काला धन का कारोबार दुनिया की बैंकों में कोई नहीं कर पाएगा और दुनिया के देशों को बैंकों से हमने समझौता किया है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि इन 5 वर्षों में अनेक देशों ने, हमारे देश में से पहले खबरें आती थी कि फलानी 2000 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, 500 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, सरस्वती माता की मूर्ति चोरी हो गई, हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई, ये खबरें आती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी के आने के बाद अनेक देशों ने ऐसी सैकड़ों मूर्तियां जो कोई चोरी करके ले गए थे उनको पकड़ करके, खोज करके भारत को वापस की, ये हमारी विरासत हमें लौटा दी गई है। जो यहां से चोरी करके ले जा गई थी, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब भारत के साथ अपनी दोस्ती में 800 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करता है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में कुछ लोगों का आधा दिमाग ही चलता है, आधा, और इसलिए उस दिमाग में काम आने वाली चीज को तो वो उछालते हैं और आधा दिमाग सुन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि यूएई ने, अबू धाबी ने पिछले दिनों मोदी को एक अवार्ड दिया, वो अवार्ड तो भारत का सम्मान था। यहां तूफान खड़ा हो गया, अरे यहां भारत में चुनाव है और तुमने अवार्ड कैसे दे दिया, अवार्ड कैसे दे दिया, ये मोदी तो वहां जाएगा, टिकना होगा, फलाना होगा, तूफान मचा दिया। लेकिन इसी समय में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस यहां आए, मैंने उनसे दो बातें कही। मैंने कहा भारत में मिडिल क्लास बढ़ता चला जा रहा है,
मुसलमान की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वो हज यात्रा करना चाहता है, उनका कोटा बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे मांग की 2 लाख बढ़ा दीजिए, उन्होंने 2 लाख बढ़ा दिया, मंजूर कर दिया। दूसरा मैंने कहा, हमारे देश के नागरिक करीब 800 से ज्यादा सऊदी अरबिया की जेल में है और रमजान का महीना आ रहा है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप हैरान हो जाओगे। 12 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने निर्णय कर लिया। भाइयों बहनों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भारत के 800 से ज्यादा नागरिक जेल से छूट के आए गए, खबरें दबा दी गई, लेकिन ये इन्हें अवार्ड दे दिया, उसको रो लेकर के मोदी को ढेर सारी गालियां दे दी। भाइयों बहनों, संयुक्त अरब अमीरात अपनी दोस्ती में वहां एक मंदिर भी बना रहा है। हमारे बंगाल में रामनवमी करनी है तो तकलीफ, सरस्वती पूजा करनी है तो तकलीफ, दुर्गा पूजा मनानी है तो तकलीफ, लेकिन ये हिंदुस्तान के चौकीदार के संबंधों का रूप देखिए कि आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने का शिलान्यास 20 तारीख को हो गया। दीदी, अरे मोदी से नहीं सीखना है तो कुछ नहीं, ये यूएई वालों से तो सीखो। ये भारत की बढ़ती ताकत ही है, असर है कि विदेश में आतंकियों के चंगुल में फंसे देशवासियों को हम सुरक्षित निकाल करके वापस ला पा रहे हैं। यहां पश्चिम बंगाल की बेटी, ये भी मीडिया वालों ने बात को दबा दिया, क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसी बातें आती हैं तो भाजपा का जो असली चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की असली सोच है, वो लोगों तक पहुंचेगी तो उनके झूठ के पर्दाफाश हो जाएंगे। भाइयों बहनों, बंगाल की बेटी, ये हमारे बंगाल की बेटी जुडिथ डिसोजा, वो अफगानिस्तान में भगवान यीशु का संदेश पहुंचाने के लिए काम कर रही थी, आतंकवादियों ने उसको किडनैप कर लिया। अब कल्पना कर सकते हैं, एक जवान बेटी आतंकवादियों के कब्जे में गई, तब हमारी मुसीबत कितनी बड़ी आई होगी, कितनी परेशानी पैदा हुई होगी, हम किसको क्या जवाब देंगे, हमारे मन पे बड़ा बोझ था। हम लगातार कोशिश करते रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशन का जितना उपयोग कर सकते कर पाए, और मुझे खुशी हुई तो बेटी हमारी सही सलामत लौट आई और बंगाल को हमने वापस पहुंचा दी। भाई, ये काम हम करते हैं। और कहती है विदेश में दौरा करते हैं, अरे ये दौरे से है कैसे हमारी बेटियों को हम ला पाते हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। ममता दीदी, भारत की बढ़ती ताकत ने भारत के पासपोर्ट की ताकत को भी बढ़ा दी है। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि विदेश में विदेशी निवेश आज विदेशों से हिंदुस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, रिकॉर्ड संख्या में विदेशी टूरिस्ट आज भारत आ रहे हैं। साथियों, याद करिए, बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद कितने वर्षों से चल रहा था, कितनी सरकारें आई और गई, हमारे लाखों नागरिकों का जीवन अधर में लटका हुआ था, हमने विवाद भी हल करने का काम किया। भाइयों और बहनों, जब सत्ता और वोट बैंक के लिए राजनीति के बजाय भारत भक्ति की राजनीति होती है, तब देश हित के काम होते हैं, जन सामान्य की भलाई के लिए काम होते हैं। वोट बैंक के लिए ही जीते मरते हैं वो, राष्ट्रवाद को गाली देते हैं और आतंक और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिखते हैं। सिर्फ मोदी को नीचा दिखाना, वोट बैंक को खुश करना, यही दीदी यही उनका तरीका है। और दीदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए,
एयर स्ट्राइक की तो ये लोग हमारे सपूतों के शौर्य के सबूत मांगते हैं। साथियों, दीदी जिस कांग्रेस की सरकार में पार्टनर रही है वो तो पाकिस्तान के आतंक के सामने रोती रही है, रोती रही है। आपके चौकीदार की सरकार है जिसने आतंकियों को घर में घुस करके मारा है। आप खुश हैं? आतंक खत्म होना चाहिए, हिंदुस्तान से आतंकवाद नष्ट नाबूद होना चाहिए। इतने सारे नेताओं के नाम बाजार में चल रहे हैं, हर गली मोहल्ला वाला 40 सीट लड़ रहा है वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 20 सीट लड़ रहा है वो भी कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 25 सीट लड़ रहा है वो भी कहता है, सब घुंघरू बांध के तैयार हो गए हैं। मुझे बताइए कौन है, इतने सारे चेहरे हैं, कौन चेहरा है जो आतंकवादियों से लड़ सकता है? कौन आतंकवाद को खत्म कर सकता है? कौन आतंकवाद से भिड़ सकता है? आपका जवाब आधा सही है, आधा गलत है। आतंकवादियों को खत्म करने का काम आपका एक वोट करने वाला है, आपका एक वोट, आपके वोट की ताकत है जो इस चौकीदार को मजबूत बनाएगी और चौकीदार आपके सपनों को पूरा करेगा। साथियों, देश की सुरक्षा हो या फिर समृद्धि, हमारी नीति स्पष्ट है। हम परिवहन से लेकर के पर्यटन और पर्यटन से परिवर्तन तक विकास के काम कर रहे हैं। बोलपुर में, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन टीएमसी की गुंडागर्दी जब तक रहेगी तब तक टूरिज्म भी नहीं बढ़ेगा, नए उद्योग नहीं आएंगे। केंद्र सरकार यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन हमारी दीदी का पूरा प्रयास है कि मोदी जी को भी उनका काम पश्चिम बंगाल के लिए कर रहा है उस पर भी ब्रेक लगाई जाए। आयुष्मान भारत, जिससे यहां के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मुफ्त में मिल रही थी और वो भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी कर सकते हैं, ये दीदी ने उस पर भी ताला मार दिया। गरीबों के, ये गरीबों की बीमारी पे ये ताला मारने वाली दीदी है। इस योजना से पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अच्छे अस्पतालों में यहां के गरीबों का इलाज होता। लेकिन गरीबों की दीदी को थोड़ी चिंता है, उनको तो एक ही काम है, बांग्लादेश से लोगों को लाओ, मोदी को हटाओ। पीएम किसान सम्मान योजना से पश्चिम बंगाल के हर किसान परिवार के खाते में मोदी सरकार पैसा जमा कराना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों की लिस्ट ले लेने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी को हटाने के लिए आपको अपने चौकीदार को और मजबूत करना है, और आप विश्वास कीजिए, आप हिम्मत के साथ मतदान कीजिए। अब पूरी तरह मैंने व्यवस्थाएं बनाई हुई है, इलेक्शन कमीशन का मैं आभारी हूं, उन्होंने बंगाल के अंदर हो सके उतना प्रयास किया है, वे अभिनंदन के अधिकारी है, और उसके कारण दीदी
अब इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रही है। लेकिन भाई जो बहनों, पोलिंग बूथ पे जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, और जब आप कमल पे बटन दबाओगे ना, वो सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाई बहनों, देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, उसके लिए सरकार मजबूत चाहिए, तो चौकीदार भी मजबूत होना चाहिए। तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मैं बोलता हूं, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने, घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।